हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज आलोक राय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन सेंट एंजल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम हेयर टू टीच यू क्लास 9th कंप्यूटर साइंस एंड इन दिस आई एम टीचिंग यू पार्ट बी। ओके, एंड इन दिस आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 2 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज अ वर्ड प्रोसेसिंग टूल। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ वर्ड प्रोसेसिंग टूल। टुडे वी डिस्कस हाइलाइटिंग द टेक्स्ट। Today we are discuss highlighting the text. But we need to know what is the need of highlighting the text. The way you highlight the important point in your books and notebook using color highlighter, in the same manner you can highlight the text in a document using highlighter option available in the Word. Okay, highlighter option available in the Word. Different type of color are available for highlighting color in MS Word. You can choose any color of your choice to highlight the text in a document. Okay, and we know that highlighter option में 15 color available होता है हमारे color को, हमारे text को highlight करने के लिए। ठीक, तो इसको देखिए, स्टेप वन, इसको अचीव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू हाईलाइट। ठीक ना, पहले सबसे पहला काम क्या करते हैं, सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू हाईलाइट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। क्लिक ऑन टेक्स्ट हाईलाइटर कलर ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो इन फॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब। The highlighter color menu will appear. The highlighter color menu will appear. Third step, select the desired highlight color. Select the desired highlight color. The selected text will be highlighted as so below. ठीक ना, इस तरह से कुछ हमारा highlighted हो जाएगा जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये मैंने yellow color select किया था। चलिए इसको एक practical करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। ओके, आई एम सेलेक्ट दैट टेक्स्ट। ओके, मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दिया। आफ्टर दैट वी नीड टू गो इन रिबन एंड होम, इन दिस होम टैब, एंड देन वी गो इन फॉन्ट ग्रुप एंड इन विच वी क्लिक ऑन हाइलाइटर ड्रॉप डाउन मेन्यू। जब हम इस पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 15 कलर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं। जिस तरह के कलर से हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहेंगे, जिस तरह के कलर से हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहेंगे, उस तरह का हम कलर क्या करेंगे, यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे मैंने येलो कर लिया। अब देखिए, ये हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, हाईलाइट हो गया येलो कलर से। ठीक, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। अगर हमें इसे दोबारा नॉर्मल करना हो तो हमें क्या करना होगा, इस पूरे टेक्स्ट को दोबारा हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, और ये हाइलाइटर ऑप्शन पे दोबारा क्या करना होगा, हमारा अब हमें क्लिक कर देना होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइलाइटर हट जाएगा। अप्लाइंग टेस्ट इफेक्ट। अब क्या है हमारा अगला, अप्लाइंग टेस्ट इफेक्ट। मेनी इफेक्ट लाइक शेडो, रिफ्लेक्शन एंड ग्लो आर अवेलेबल इन वर्ड एंड कैन बी अप्लाइड टू दिस सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये भी क्या किया जा सकता है, सेलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई किया जा सकता है। फॉलो द फॉलोइंग मेंशन स्टेप टू अप्लाई द टेक्स्ट इफेक्ट। पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट द टेक्स्ट विच यू वांट टू अप्लाई द टेक्स्ट इफेक्ट। ओके, सेलेक्ट द टेक्स्ट विच यू वांट टू अप्लाई द टेक्स्ट इफेक्ट। सेकेंड स्टेप, ऑन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक ऑन द टेक्स्ट इफेक्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो। ठीक ना, ऑन दी फॉन्ट ग्रुप क्लिक ऑन दी टेक्स्ट इफेक्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो। एंड थर्ड स्टेप, चूज एन इफेक्ट एंड गेट डिफरेंट इफेक्ट ऑन टेक्स्ट। जैसे मैंने ये देखिए, दो टेक्स हैं, इन पे डिफरेंट टेक्स्ट इफेक्ट मैंने अप्लाई किया है। ठीक ना, देखिए तो ये क्या हो रहे हैं, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ना ट्रीट होके कुछ डिफरेंट तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं ये दोनों टेक्स्ट। ओके, और ये ऑप्शन अवेलेबल कहाँ होता है, दिस ऑप्शन अवेलेबल इन रिबन, इन होम टैब, एंड उसके बाद होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं।
तो सबसे पहले हमें कहाँ क्या करना होगा, हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, रिबन में जाएंगे। रिबन में जाने के बाद कहाँ जाएंगे, होम टैब पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फॉन्ट ग्रुप में टेक्स्ट इफेक्ट पे। किस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट इफेक्ट पे। जब हम टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास काफ़ी तरह के टेक्स्ट इफेक्ट हमारे पास खुल के आ जाएंगे। देखिए आ गया खुल के। अब जिस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट हम चाहते हैं उस तरह के टेक्स्ट इफेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए जैसे मैंने ये इफेक्ट चाहा तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये क्या हो गया, इसका इफेक्ट कुछ चेंज हो गया, ठीक ना। अगर मैं कोई दूसरा इफेक्ट चाहता हूँ, जैसे मैं क्या चाहता हूँ, रिफ्लेक्शन का, क्या मैं चाहता हूँ रिफ्लेक्शन पे का, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा, रिफ्लेक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्या कर दूँगा, जिस तरह का रिफ्लेक्शन मैं चाहूँगा उस तरह का रिफ्लेक्शन मैं चूज कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन में क्या हो गया कि ऊपर से नीचे, ऊपर वाले टेक्स्ट का उसके नीचे कुछ रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से हम किसका यूज करते हैं, इस तरह से हम टेक्स्ट इफेक्ट को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं हम, टेक्स्ट इफेक्ट को। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा चेंजिंग द टेक्स्ट केस। ओके, चेंजिंग द टेक्स्ट केस। सम टाइम टू हाईलाइट सम टेक्स्ट, चेंजिंग द केस ऑफ द टेक्स्ट इज नीडेड। ओके, सम टाइम टू हाईलाइट सम टेक्स्ट, चेंजिंग द केस ऑफ द टेक्स्ट इज नीडेड। फॉलो द फॉलोइंग मेंशन स्टेप टू चेंज दी फॉलो द फॉलोइंग मेंशन स्टेप टू चेंज दी केस ऑफ द टेक्स्ट। फर्स्ट स्टेप, सेलेक्ट द टेक्स्ट हुज केस यू वांट टू मॉडिफाई। सेलेक्ट द टेक्स्ट हुज केस यू वांट टू मॉडिफाई। सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन द चेंज केस ऑप्शन इन फॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब। क्लिक ऑन द चेंज केस ऑप्शन इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब। थर्ड ऑप्शन इज सेलेक्ट द डिजायर केस ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। सेलेक्ट द डिजायर केस ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। तो ये देखिए एक इमेज के थ्रू पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, रिबन में जाएंगे, होम टैब में जाएंगे, उसके बाद हम फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद हम चेंज केस पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास 5 टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, ठीक ना। और इन 5 टाइप के ऑप्शन का यूज करके हम डिफरेंट टाइप के चेंजेस हम टेक्स्ट में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने करके एक एक करके करके दिखा रखा है। ये सेंटेंस केस हो गया, ये लोअर केस हो गया, ये हमारे पास हो गया अपर केस, ये कैपिटलाइज ईच वर्ड केस हो गया और ये हमारा टोगल केस हो गया। क्या हो गया हमारा, ये टोगल केस हो गया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। सब लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं, क्या करते हैं इसको करके देखते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें पहले इसको इससे हम क्या करते हैं, इस टेक्स से हम इस टेक्स से टेक्स इफेक्ट को हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं, हम टेक्स इफेक्ट को हटा देते हैं, ठीक ना। टेक्स इफेक्ट को हटा देंगे, ठीक। टेक्स इफेक्ट को हमने हटा दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और हमें करना क्या था, चेंज करना था केस को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटेंस केस पे इसे रहने देते हैं, ठीक ना। तो देखो सेंटेंस केस क्या करेगा, इसे एज इट इज रहने देगा, ठीक ना। इसमें क्या होगा, पहला लेटर कैपिटल होगा और उसके बाद जो इंग्लिश अल्फाबेट के रूल फॉलो होते हैं वैसा रहेगा। दूसरा हमारे पास क्या होता है, लोअर केस। ये क्या करेगा, सभी टेक्स्ट को लोअर में चेंज कर देगा, सभी टेक्स्ट के कैरेक्टर को लोअर केस में चेंज कर देगा। देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया, ये ए क्या हो गया हमारा, लोअर में क्लिक चेंज हो गया। ऐसे ही हमारे पास तीसरा है अपर केस। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे सारे कैरेक्टर जो होंगे अपर केस में चेंज हो जाएंगे। चलिए हम इसको क्लिक करके देखते हैं। तो ये देखिए सारे जो टेक्स्ट हो गए ये सारे क्या हो गए, अपर केस में चेंज हो गए। ऐसे ही हमारे पास अगला ऑप्शन होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी वर्ड के पहले लेटर क्या हो जाएंगे, कैपिटलाइज हो जाएंगे। देखिए सारे वर्ड के पहले लेटर क्या हो गए हैं, कैपिटल हो गए हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। सब लोग इसे समझ पा रहे होंगे। उसके बाद होता है अगला जो होता है हमारे पास टोगल केस। क्या होता है हमारा अगला, टोगल केस। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वर्ड क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारे क्या होंगे हमारे कैपिटल में रहेंगे। पहला वर्ड हमारा स्मॉल हो जाएगा और दूसरा वर्ड हमारा क्या होगा, हमारा कैपिटल में होगा, ठीक
ठीक ना, पहला वर्ड स्मॉल हो जाएगा और बाकी सारे वर्ड किस में होंगे, कैपिटल में होंगे। देखिए सारे वर्ड के यही हो गए हैं, ठीक। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को, सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सेंट एंजल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।